मानव का सबसे बड़ा दुश्मन मानव ही होता है। आज ये देखने को भी मिला और दिखाने को भी आपको मिलेगा। देवली के पास रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी जिसका नाम है स्काईलार्क इंफ्रा इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड, वो तारकोल और बिटवीन को मिला करके रोड का कंस्ट्रक्शन करती है, वहाँ पे लेवलिंग करती है। मगर उस प्लांट का अगर आप पोल्यूशन देख लीजिएगा तो आप दंग रह जाइएगा। कोई इंसान वहाँ जिंदा कैसे रह सकता है? वहाँ पे जितना भी लेबर स्टाफ खट रहा है बिना मास्क के, पोल्यूशन इतना अधिक है कि वहाँ के आसपास के लोग त्राहिमाम हैं। जनता के लाख अनुरोध करने पर, विरोध करने पर एक दो दिन के लिए काम बंद कर दिया जाता है और जैसे ही देखता है मामला शांत है फिर प्लांट चालू हो जाता है। लेकिन प्लांट का पोल्यूशन कंट्रोल का कोई सिस्टम नहीं है। कंपनी बड़ी है इसलिए वो सारे नियम कानून को ताक पे रखती है, शायद पोल्यूशन विभाग को भी, पूरा सिस्टम को भी। मतलब जनता जनार्दन मर जाए उससे कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि कंपनी का मालिक तो दिल्ली में बैठा हुआ है। आप देख रहे हैं यहाँ पे पोल्यूशन लगता है कि पोल्यूशन की सीमा को समाप्त कर दिया है, यानी कि कितना अधिक प्रदूषण है। एक लेन क्रॉस करने में, फोर लेन सिक्स लेन जो है हमारा NH2, उसको क्रॉस करने में पब्लिक को तकलीफ हो रही है और लास्ट में मीडिया को यहाँ पे आकर के ये देखना पड़ा कि आखिर ये धुआं कहाँ से निकल रहा है। तो आप देख रहे हैं कि ये धुआं जो है ये यहाँ पे रोड बनाने का कार्य चल रहा है, इसमें बिटमेन को जला करके उसमें सारा मिक्सअप करके किया जाता है। सबसे बड़ी बात है कि ये गलत बात है और इससे सीधा यहाँ के आम लोग भी ज़्यादा आक्रोशित हैं। आइए देखते हैं पब्लिक से लीजिए, इसे 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 लीजिए। तो ये कब से चल रहा था पता है? ये बहुत दिनों से चल रही है और बहुत देखिए कितना टास्क होता है। और हम लोग तो आस पास में जितने गांव हैं घर तरफ भी है, इतना धुआं उठता है कि घर में चलते तो काला डस्ट निकल जाता है, काला डस्ट आ जाता है और सांस लेने में दिक्कत होता है। घर में बच्चे हैं, बूढ़े हैं, बूढ़े लोग बीमार हैं, उसको सांस लेने में दिक्कत होती है। नियम को बुलाइए तभी कम से चल रहा है, बहुत दिनों से चल रही है। पहले भी फोन किया है बहुत बार, चलाइए कंट्रोल ले, कुछ नहीं, कुछ कार्रवाई नहीं कर रही है, कोई कुछ सुनवाई नहीं कर रही है। यहाँ पे आने के बाद किसी से भेंट मुलाकात किसी से भेंट मुलाकात नहीं है, ये लोग कुछ नहीं कर रहा है, ये लोग कुछ नहीं कर रहा है। हम लोग बहुत दिन से बोले हैं लेकिन इसमें कोई कार्रवाई नहीं कर रही। ये धुआं जो है 6 महीना या साल भर से? 6 महीना से, 6 महीना से अधिक हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो इस पे आप लोग कोई कार्रवाई नहीं किए क्या? कार्रवाई हम लोग नहीं किए, 2-3 बार ऐसे चेतावनी आकर दिए थे तो 2-4 रोज बंद करता था, उसके बाद ही सवेरे हो या शाम के टाइम में चालू करता है। जब दिन में चालू करता है तो धुआं लग दिखाता है, रात में दिखाई नहीं पड़ता है, समझ नहीं पाता है। यहाँ का जो प्रोजेक्ट मैनेजर है या यहाँ का जो कर्मचारी, कोई इसका ये नहीं, कोई कार्रवाई तो ये लोग नहीं कर रहा है। ये लोग को तो बार बार बोले, ये लोग बोल रहा है बोल दिए हैं काम हो जाएगा। अभी आप लोग का क्या कहना है? अभी हम लोग का कहना है कि फैक्ट्री बंद कर दे, दूसरा जगह लगाए, कहीं जीटी रोड से 5 किलोमीटर अंदर में लगाए। जीटी रोड में सब फैक्ट्री प्रदूषण वाला फैक्ट्री नहीं लगना चाहिए। अगर ये लोग नहीं करेगा तो आप लोग क्या कीजिए? नहीं करेगा तो हम लोग पूरा आंदोलन करेंगे पूरा। आज तो हम लोग खाली जनप्रतिनिधि आए हैं, पूरा देवली उठ के आ जाएगा और यहाँ धरना पर बैठ जाएगा। आवे प्रशासन, आवे देखे अपना आँख से, उसके बाद अगर उचित बुझाएगा तो बंद करेगा, नहीं उचित बुझाएगा तो हम लोग बोलेंगे ना कि आप लाइसेंस इसको कैसे दे दिए प्रदूषण का। यहाँ पर इधर बोलते हैं प्रदूषण नहीं होना चाहिए, प्रदूषण नहीं होना चाहिए और इतना प्रदूषण हो रहा है, इसमें भी आप लोग कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, और प्रशासन दोषी होगा उस टाइम। जहाँ अभी पॉल्यूशन के लिए आप देख रहे हैं सब पर नज़र, बहुत सारे कार्यक्रम चलाए हुए जा रहे हैं जी, लेकिन इस पॉल्यूशन से कहीं ना कहीं पेड़ पौधे, छोटे बच्चे, बूढ़े श्वास द्वारा बीमारी फैल रही है, यहाँ तक का पेड़ पौधे भी नष्ट हो रहे हैं। तो इससे पहले क्या आपने इस पे कोई कार्रवाई किया, रोकथाम किया, रोकने के लिए कोई आंदोलन किया है कुछ भी? जी नहीं, इससे पहले हम लोग मौखिक बोले हुए हैं,
ऐसे मैंने आकर कार्रवाई नहीं की है, लिखित कार्रवाई भी नहीं की है। आज भी जैसे हम लोग बोले भाई हम लोग लिखित कार्रवाई कर रहे हैं, तो यहाँ का इंचार्ज आके बोले जो नहीं आप लोग एक बार वार्ता कर लीजिए पीएम से, उसके बाद अगर आपका मौखिक सोल्यूशन हो जाता है। इंचार्ज का नाम बताइए। नाम आपका जो पीएम इन लोग का कौन है नाम तो नहीं बता रहा है, लेकिन जैसे प्रदीप विश्वकर्मा जी बोले पीएम अभी नहीं है, वो आएंगे उनसे एक बार वार्ता कर लीजिए, उसके बाद आप लोग जैसा आर एस शर्मा प्रोजेक्ट मैनेजर को भी, यहाँ के पॉल्यूशन डिपार्टमेंट को भी और यहाँ के मैनेजमेंट को भी। अब देखते हैं कि प्रोजेक्ट मैनेजर का क्या स्टेटमेंट है। अगर वो इस चीज़ को नहीं कर पाते हैं तो जाहिर सी बात है वहाँ की जनता भी कमर कस ली है। सर अपना परिचय दीजिए। जी मेरा नाम राम शर्मा है, मैं स्काईलार्क में एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ और अभी रिसेंटली आया हूँ, ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, 20-25 दिन हुआ है और तब से यहाँ पर मैं कार्यभार संभाला हूँ। और सर देवली के पास जो आपका प्लांट है वहाँ पर जो पॉल्यूशन का जो मामला है वहाँ का जनता लोग भी परेशान है, उसके बारे में आपको क्या कहना है? एक्चुअल में ये जो मामला आया है इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि जो ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम रहा हो, ये मैकेनिकल फॉल्ट है। इंसिडेंटली कल सुबह हम लोग को पता चला इसके बारे में कि प्लांट में कुछ प्रॉब्लम आया हुआ है, उसको हमने तुरंत बंद करा दिया और देवली की जनता से भी जो है उनको आश्वस्त किया है कि इसको हम सही करा लेंगे फिर चालू होगा ये, और वो लोग माने भी अभी इस बात को। दूसरी चीज़, आधा एक घंटा के लिए अगर जनता को कुछ प्रॉब्लम हुई हो तो मैं उसके लिए भाई क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि मैकेनिकल फॉल्ट है, कभी भी आ सकता है, वो ना हमारे हाथ में ना आपके हाथ में है। तो इससे क्या आप जनता को आश्वस्त कर रहे कि दोबारा इस तरह का कोई घटना नहीं घटेगी? हाँ बिल्कुल, हमारी प्रायोरिटी पहले जनता है। और क्या पॉल्यूशन रूल्स को आप फॉलो करते हैं? हाँ, सारा कुछ हम फॉलो करते हैं। हमारे प्लांट की चिमनी की हाइट भी जो है जो डिजर्व करती है, उसमें हम लोगों ने और एक्सटेंशन भी किया है, ठीक है, और अभी उसका इंजीनियर भी आ रहा है, अगर कुछ ऐसा कुछ है तो वो भी बताएगा। बाकी ये कल जो इंसिडेंट हुआ उसका एक मेजर जो सबसे बड़ा कारण रहा कि बारिश के मौसम में मेटेरियल जो था डस्ट तो थोड़ा गीला था, एक वो भी रीजन है, तो उसको हम लोगों ने बंद कर दिया। अभी ऐसा कुछ मतलब गीले डस्ट इस मौसम में ऐसे नहीं चलाएंगे। आप देख रहे हैं सब पर नज़र।